वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल फॉर्मेशन का स्टडी करेंगे कि हम इसकी पोजीशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। यदि आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है, मैनी पार्टिकल सिस्टम है, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था कि डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी बॉडी या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे होल बॉडी होल सिस्टम का मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। उस पॉइंट को ही आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ये बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, और डिपेंड करता है जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे कि उस सिस्टम का, उस बॉडी का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ओके, सो आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की कि सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम कंसिडर कर लेते हैं एक बॉडी को जिसका मास हम डिफाइन करेंगे कैपिटल एम, जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। हम कोई बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिचुएटेड है और एन नंबर ऑफ पार्टिकल से वो मिलके बनी है। तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा क्या, कंडीशन उसकी क्या होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया और इसके अंदर एक एम मास का बॉडी लेके चल रहे हैं। ये रहा बॉडी जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, जो कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। तो हमने यहां पे इतने सारे पार्टिकल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। नाउ हमें मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करना है, हर एक पार्टिकल की पोजीशन होगी। आप किस तरह से डिफाइन करते हो पार्टिकल की पोजीशन को, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट बाय कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड इज बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से इन सभी पार्टिकल्स की हम पोजीशंस भी डिफाइन कर सकते हैं ना। ओरिजिन से किस तरह से डिफाइन करोगे, R1, R2, R3, R4, R5 और n नंबर ऑफ पार्टिकल लेके चलोगे, तो इस तरह से nth पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो जाएगी, Rn हो जाएगी। इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत ही इजी बनाने के लिए इस डायग्राम को इस तरह से कंसीडर करके चल रहे हैं। देखो मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं, द फर्स्ट डायग्राम, इन द फर्स्ट डायग्राम हमने यहां पे क्या कंसीडर किया है, कैपिटल एम मास का कोई बॉडी कंसीडर किया है जो कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, नाउ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने इसको इजी बना दिया। इजी किस तरह से बनाया कि वन से लेके एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हमने कोई पार्टिकल ले लिया आईथ पार्टिकल, ठीक है। तो जस्ट सिंपल, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस बॉडी में आईथ पार्टिकल को डिफाइन किया है। आईथ पार्टिकल आप डिफाइन कर रहे हो तो उसकी पोजिशन किससे डिफाइन करोगे, बाय पोजिशन वैक्टर। तो आईथ पार्टिकल की हमने पोजिशन भी डिफाइन कर दी कि आईथ पार्टिकल ऑरिजिन से RI वैक्टर पे सिचुएटेड है, ठीक है। नाउ हम एक और अनोदर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं इस बॉडी में, जिसे हमने डिफाइन किया है C से, ये रहा C, एंड इस पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से किस तरह से डिफाइन करोगे, बाय पोजीशन वेक्टर, वो क्या है यहाँ पे, कैपिटल RC। ओके, एंड आईथ पार्टिकल की C के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगी, उसको हमने डिफाइन किया है RIC से। डायग्राम समझो, ये वो ही बॉडी है जो हम ऊपर कंसिडर करके चल रहे थे। ऊपर हमने कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है उसको शो अप किया है कि यहाँ पे टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करने के लिए हमने केवल यहाँ पे टू ही पार्टिकल कंसीडर किए हैं। आईथ पार्टिकल हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम सम कर देंगे और आई इक्वल टू 1 to n लिमिट लगा देंगे, तो वो ईजी हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आईथ पार्टिकल को डिफाइन कर दिया, विच इज सिचुएटेड एट RI वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, एंड वी कंसिडर एन अनोदर पार्टिकल, अनोदर पॉइंट विच इज डिफाइंड बाय कैपिटल C, एंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ C इज डिफाइंड बाय कैपिटल RC, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट C इज डिफाइंड बाय RIC। इस तरह से हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया। ओके, सो नाउ यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की यदि हम बात करें OCI, इन ट्रायंगल OCI यदि यहां वेक्टर एडिशन रूल हम अप्लाई करें, वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करें, तो आप खुद बताओ यहां पे वैल्यू क्या होगी। वेक्टर एडिशन रूल आता है ना आपको अप्लाई करना, जस्ट सिंपल, इफ वी हैव 3 वेक्टर यहां पे है गिव, तो मैं बता देती हूँ, इफ वी हैव 3 वेक्टर लाइक ए वेक्टर, ठीक है, ये रहा आपका बी वेक्टर, 2 वेक्टर, ठीक हो गए, एंड 3 वेक्टर इज लाइक दिस, दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर एडिशन रूल आप किस तरह से अप्लाई करते हो, एक वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की यदि टेल है, देखो ये हेड, एरो को आप हेड बोलते हो ना, और यहाँ पे जो टेल है, पीछे वाला जो पॉइंट है, उसको हम टेल बोलते हैं। यदि एक एरो की हेड पे दूसरे वेक्टर की क्या है, टेल है, यदि हम बात करें एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल है, तो वो दोनों क्या होंगे, सम होंगे। तो यहाँ पे यदि हम सी वेक्टर की बात करें, तो सी क्या होगा, ए प्लस बी,
जो रिजल्टेंट है सी वेक्टर का वो क्या होगा, ए प्लस बी, बिकॉज इसके हेड पे इसकी क्या है, टेल है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करें, आप यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे इसकी हेड पे क्या है, इस वाले वेक्टर की टेल है। तो यू कैन से इजिली आर वेक्टर सी इक्वल टू कितना आएगा, आर वेक्टर सी प्लस प्लस आर वेक्टर आई सी, किसके इक्वल है, आर आई वेक्टर के। जस्ट सिंपल, इफ वी अप्लाई वेक्टर एडिशन रूल, तो देखो इस वाले वेक्टर के हेड पे इस वाले वेक्टर की टेल है, तो दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, आर आई के इक्वल होगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो पहले आप लिख लो इसको मैथमेटिकल, हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ कैपिटल एम मास इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये रहा इसका डायग्राम, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया, कैपिटल एम मास की कोई बॉडी ली है जो कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, अंदर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, वी कंसिडर एन आईथ पार्टिकल ऑफ मास एम आई, हमने मास भी डिफाइन किया है, विथ पोजिशन वैक्टर आर आई। ठीक है, फॉर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हमें इजी बनाना है, दैट्स व्हाई हम इस तरह से ये डायग्राम बना रहे हैं। एंड अ पॉइंट इन अ सिस्टम हुज पोजीशन वेक्टर इज आर सी, हमने जो डिफाइन कर दिया था पहले कि हम यहाँ पे पॉइंट सी कंसीडर करके चल रहे हैं जिसका वेक्टर क्या है, आर सी, एंड आर आई सी इज अ वेक्टर ऑफ आईथ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सी। जस्ट सिंपल, आईथ पार्टिकल की पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सी हमने डिफाइन किया है आर आई सी से। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ओ सी आई आर सी प्लस आर सी आई इक्वल टू आर आई, यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत मैथमेटिकल बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, इसके बाद यदि हम इस इक्वेशन को दोनों साइड एम आई से मल्टीप्लाई करें, एम आई यहाँ पे क्या है, मास ऑफ आईथ पार्टिकल। ठीक है, तो पहले इससे पहले चलो एक कॉन्सेप्ट तो समझा देती हूँ मैं, दिस इज समेशन ऑफ एम आई इक्वल टू वन टू एन एम आई इक्वल टू कैपिटल एम होगा ना, क्यों, बिकॉज ये जो m है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल से यदि मास को हम ऐड करते तो वो टोटल मास ऑफ बॉडी को ही डिफाइन करता है। तो इसी वजह से हमने समेशन ऑफ i इक्वल टू वन टू n m i इक्वल टू कैपिटल m लिखा है। समझ आया कि आपको ये कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन ऑल्सो से m1 प्लस m2 प्लस m3 mn इज इक्वल टू कैपिटल m। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, इक्वेशन वन को दोनों साइड mi से मल्टीपल करना है मास ऑफ आईथ पार्टिकल। ठीक है, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय mi ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, mi rc प्लस mi ric इक्वल टू mi ri। ठीक है, नाउ फॉर ऑल द पार्टिकल, यदि हम फॉर ऑल द पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ले लेंगे। सो फॉर ऑल द पार्टिकल, फॉर ऑल द पार्टिकल्स, आप यहाँ पे क्या करोगे, इस इक्वेशन का समेशन लोगे, तो समेशन ऑफ एम आई, आई कहाँ से कहाँ तक, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कंसिडर करके चल रहे थे, कितना, वन टू एन, तो एम आई आर सी प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई सी इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई। समझ आया क्या आपको, जस्ट सिंपल, हमने यहाँ पे एक दो ही स्टेप्स यूज में लिए, पहले तो वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई किया, सेकेंड हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन अप्लाई किया। आप बोल रहे हो भाई ये क्या बोलते हैं, कैपिटल एम मास का बॉडी लेके चल रहे हो तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, तो समेशन ऑफ एम आई आई इक्वल टू वन टू एन आप कैपिटल एम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने डिफाइन, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन को दोनों साइड mi से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने mi से मल्टीप्लाई कर लिया, mi इज अ मास ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, फॉर ओवरऑल सिस्टम की बात करनी है, फॉर ऑल पार्टिकल्स की बात करनी है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड समेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, समेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन ये आ रहा है। अब यदि सुनना अच्छे से, इफ इफ समेशन ऑफ i इक्वल टू वन टू n एम आई आर आई सी इक्वल टू जीरो, अच्छे से सुनना, इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो क्या, यहां मैंने लिखा इफ एम आई आर आई सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे बताओ एम आई क्या है, यहाँ पे मास ऑफ आईथ पार्टिकल, मतलब जितने भी आप वन टू लेके एन पार्टिकल लेके चल रहे हो उसका मास है। ठीक है, आर आई सी यहाँ पे क्या है, पोजिशन ऑफ ऑल पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सी, इट मीन इस सी पॉइंट से जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, लाइक यहाँ पे तो हमने एक आईथ पार्टिकल ही डिफाइन किया था, यहाँ मैं सी पार्टिकल लेके चलूँ कि दिस इज कैपिटल सी। ठीक है, तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, यदि फर्स्ट पार्टिकल है तो दिस इज आर सी वन आर सी टू
RC3, RC4, RC5 इस तरह से RCN डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए आप ये पोजीशन ये तो डिफाइन कर रहे हो। अरे ये पोजीशन ही जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है? ऑल पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट पॉइंट सी। इसका मतलब यही हुआ ना, देखो मास तो जीरो होने से रहा, मतलब आर आई सी यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू सी, कि इससे पार्टिकल्स किस किस पोजीशन पे सिचुएटेड है। देखो हमने आईएथ पार्टिकल कंसीडर किया था, तो इसकी पोजीशन हमने विद रेस्पेक्ट टू सी क्या डिफाइन की थी, आई सी, आर आई सी। सिमिलरली फर्स्ट पार्टिकल की पोजिशन डिफाइन करोगे सी के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आर वन सी, आर टू सी, आर थ्री सी, आर फोर सी। यही है ना कि आप इतने सारे पार्टिकल्स लेके चल रहे हो, तो इन पार्टिकल्स की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सी आप ये डिफाइन कर रहे हो, वेक्टर से डिफाइन कर रहे हो। यदि ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ना कि यहाँ पे पार्टिकल्स है ही नहीं, ऑल आर पार्टिकल्स सिचुएटेड एट पॉइंट सी। दैट टाइम आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बहुत बड़ी बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन है बट बहुत बड़ी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि एम आई आर आई सी इक्वल टू जीरो हुआ, दैट टाइम सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। वाई? बिकॉज यदि पार्टिकल्स की पोजिशन आप जीरो डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, कि इस पार्टिकल की इसके रेस्पेक्ट में वन की, टू की, थ्री की एंड जितने भी पार्टिकल्स लेके चल रहे हो उनकी पोजिशन सी के रेस्पेक्ट में जीरो है, इट मीन ऑल आर पार्टिकल आर सिचुएटेड एट ओनली पॉइंट सी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ना, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे होल बॉडी का मास कंसेंट्रेट होता है उसे आप सेंटर ऑफ मास बोलते हो। तो इन मैथमेटिकली आप सेंटर ऑफ मास क्या बोलोगे, एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो, दैट टाइम दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ओके, यदि हम इस कंडीशन को अप्लाई करें तो आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई, ठीक है, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास आगे के आगे हम जब डेरिवेशन करेंगे टू पार्टिकल्स के लिए, मैनी पार्टिकल्स के लिए, तो वहां हम इस कॉन्सेप्ट को यूज पर लेके चलेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट आप सी जो कंसिडर करके चल रहे हो उसके रेस्पेक्ट में जितने भी अदर पार्टिकल्स है उनकी पोजिशन और उनके मास का प्रोडक्ट का सम कितना होता है, जीरो होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तब आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास। यदि आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, बट ध्यान रखना आगे हम टू पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, तो समेशन ऑफ आई एम आई आर आई सी इक्वल टू आप जीरो लेके चलोगे, ठीक है। टू पार्टिकल की यदि बात करेंगे तो एम वन आर वन सी प्लस एम टू आर टू सी इक्वल टू जीरो पुट करोगे। एन पार्टिकल की बात करेंगे तो आप यही एक्सप्रेशन वहां पे जीरो लेके चलोगे। और यदि हमें पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, एक में सुनना अच्छे से, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप किस से डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे आरसी वेक्टर से, इट मीन आपको वहां पे आरसी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे फर्दर जब मैं पढ़ाऊंगी तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, तो पहले इसको लिख लो एक बार, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि यदि कोई पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो वहां पे उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिख लो इसको भी, हियर सी इज द सेंटर ऑफ मास, सो हियर सी इज द सेंटर ऑफ मास, या मैथमेटिकली आप डिफाइन करो तो द पॉइंट ऑफ अ सिस्टम और बॉडी, ऑफ अ सिस्टम और बॉडी अबाउट विच द समेशन ऑफ, साइन लगा दोगे डायरेक्ट, ठीक है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स इज जीरो, दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देन दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एम एंड आर इक्वल टू जीरो, आर यहाँ पे कौन सा होगा, आर सी आई, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू सी,
ठीक है, दैट टाइम दिस पॉइंट इज नॉन एज दैट टाइम दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास. तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास की कंडीशन क्या हुई, ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो इसको, समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी आई इक्वल टू, हमें जीरो पुट करना है, दैट टाइम आप सी को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास पॉइंट बोलोगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम वहां पे पोजिशन कैलकुलेट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजिशन क्या होती है. थैंक यू.